गाइस हम टॉपिक कैसे सर्च करें या कैसे समझें कि हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, यही हमारा इंटरेस्ट है और इसी के ऊपर हमें टॉपिक्स भी उसके ऊपर आगे मिलते रहे। अगर हम वीडियो यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालना स्टार्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर हमें टॉपिक्स आने चाहिए कि इस टॉपिक पर आज वीडियो आनी चाहिए, इस टॉपिक पर आज आनी चाहिए। जैसे कि मुझे रिस्ट हो गया, 125 वीडियो मैं बना चुका हूँ, टेक टिप्स, यूट्यूब टिप्स, मोबाइल टिप्स, मतलब जो फला लिखा मेरे दिमाग में मैंने बनाया, ठीक है। और हर चीज़, हर वीडियो पर मुझे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स मिला ही मिला है। कुछ ऐसी हो सकती है जिन पर नहीं मिला, उन टॉपिक्स को मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे पता है इन पर मेरे को आगे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो टॉपिक भी थोड़ा चेंज कैसे करते हैं कि रिलेट करना चाहिए। जैसे आप मोबाइल पर बना रहे हो कंप्यूटर पर और टेक टिप्स दे रहे हो, मोबाइल टिप्स दे रहे हो, तो उसमें यूट्यूब टिप्स आप दे सकते हो। थोड़ी थोड़े टाइम में जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, 100 वीडियो के आसपास आप 50-400 वीडियो बना चुके हो, थंबनेल वंबनेल सब कुछ बना चुके हो, उसके बाद आप ऐसे टिप्स दे सकते हो, लोग आपको सुनेंगे भी क्योंकि आपका थोड़ा सब्सक्राइबर बेस तो होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको सब भी समझ में नहीं आ रहा कि आप टॉपिक क्या चूज करो, स्टार्ट करना है चैनल, वीडियोस डालनी है, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, खुद को समझो। सबसे पहली बात तो यही है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही था कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो कि मेरे को एक वो था कि इस ऐप से क्या होता है, ये सेटिंग हो तो ये क्या से क्या होता है, मोबाइल में विंडो कैसे डालते हैं, मतलब मैंने इन चीज़ों को मैंने कोर्स भी किया, कंप्यूटर का बेसिक कोर्स, हार्डवेयर नेटवर्किंग, NTPC और NCPTR ऐसे एक कोर्स होता है, ठीक है, कंप्यूटर का ही होता है वो, नेटवर्किंग उसमें आता है, वो वाला कोर्स भी मैंने किया था, ठीक है। और आपका एक आधा कोर्स और था वो मैंने किया था, मतलब दो तीन तीन चार कोर्स मैंने उसमें किया था। तो मेरे को बता था मेरे को इसी में इंटरेस्ट है और इसी में मेरी लाइन आगे जाएगी, ठीक है। तो मैंने यूट्यूब पर जब मैं आया था मैंने टॉपिक भी यही चूज़ किया कि मेरे को, हाँ मुझे पता था कि मेरे को इस पर टॉपिक की कभी कमी नहीं होगी। और अभी भी मेरे को स्टार्टिंग में वैसे मेरे को बिलीव नहीं था मैं इतनी वीडियोज़ बना दूंगा। टॉपिक्स आते रहते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है, हम कहीं भी कुछ भी देख लेते हैं, हमारा इंटरेस्ट बना, हमें मतलब हमारा माइंड काम करने लगता है कि हाँ ये टॉपिक बढ़िया है, इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। वो बढ़िया कैसे, क्योंकि हमें पता है आजकल ये चीज़ सर्च में हो रही है। एक तो आपका होना चाहिए टॉपिक अच्छा खासा, और उसमें आपको ये देखना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक में पब्लिक देखना क्या चाहती है, ये नहीं कि आपको अपनी पसंद से डालना है, पब्लिक क्या देखना चाहती है वो आपको देखना है, ऑडियंस, पब्लिक, फैमिली, यूट्यूब फैमिली जो भी कह लो, ठीक है, ऑडियंस कह सकते हैं, वो अच्छी सबसे बढ़िया चीज़ है। और मैं तो फैमिली कहता हूँ वैसे अपनी तरफ से, ठीक है, क्योंकि ये चैनल ही उनका है, अगर वो नहीं होंगे तो ये चैनल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आप अपने टॉपिक को सर्च कर सकते हो, ढूंढ सकते हो अपने अंदर ही कि हाँ मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, कुकिंग में इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी, आजकल फोटोग्राफी बहुत लोगों को इंटरेस्ट है, DSLR ले लेते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं फोटोशूट करना, ठीक है, उसमें भी बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है, वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट होता है, वीडियो एडिटिंग के लोग अच्छे अच्छे पैसे भी ले लेते हैं। और बाकी और भी चीज़ें होती हैं, मोबाइल की टिप्स बताना, मेरे इसमें भी हैं बहुत सारी वीडियो मोबाइल की टिप्स के ऊपर, मेरा जो फ़ोन है उस पर भी मैंने बताई हुई है दो तीन वीडियो, उस पर भी हैं, Note 9 Pro Max की ये फीचर, ये फीचर, ये फीचर मैंने उसमें भी बताया हुआ है, ठीक है। तो बस आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है, कुकिंग हो सकती है आपकी, वेब डिज़ाइनिंग हो सकती है, ठीक है, टैली हो सकता है, ऑटो कैड हो सकता है, और आपकी कितनी डिज़ाइनिंग हो सकती है, अलग अलग तरह की बहुत चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर से अलग भी बहुत है व्लॉगिंग है, व्लॉगिंग तो हर कोई कर सकता है, लेकिन व्लॉग चैनल का यही है कि वो जल्दी चलता नहीं है क्योंकि आपकी जब फेस वैल्यू नहीं है तो व्लॉग भी ज़्यादातर लोग शायद नहीं देखते। ये मेरे से मैंने खुद देखा है, मैंने डाले तो किसी ने देखे ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे मत करना, अभी व्लॉग चैनल स्टार्ट मत करो, कोई मतलब ऐसी कोई अपने तो हॉबी ढूंढो, वो कोई ना कोई तो होती है हर एक के अंदर, ठीक है, कुछ सेकेंड हैंड मार्केट, इस चीज़ की, इस चीज़ की, इस चीज़ की, सरोजनी नगर ये वो, हर चीज़ देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम टॉपिक को कैसे सर्च कर सकते हैं अपने अंदर ही, कैसे ढूंढ सकते हैं और उसके ऊपर वीडियोस, अब बस आपको वीडियो ऐसे डालनी है कि हाँ आप कंटिन्यूसली उसके ऊपर वीडियो डाल सको, मतलब कम से कम समझ के चलो 150 वीडियो तो मैं कम से कम इस वीडियो टॉपिक पे मेरे पास 150 टॉपिक होने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।